सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में चल रहे बवाल के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक ट्वीट किया गया, जिसमें बताया गया है कि सीएपीएफएस और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को कितनी फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि इन अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों को 10% तक का आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। तो आप इस वक्त देख सकते हैं गृह मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें यह साफ पर किया गया है कि 10% तक आरक्षण देने का फैसला अग्निवीरों के लिए किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि जब ये योजना लॉन्च की गई थी, उसके महज एक दिन बाद से ही लगातार युवाओं द्वारा इस योजना के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा था। युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, जबकि बीते दिनों भी प्रदेश के कई जनपदों से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिसमें दंगाई और उपद्रवी जमकर उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे थे, जिसकी तस्वीरों का गवाह पूरा प्रदेश बना था। उत्तर प्रदेश और बिहार से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी कल पूरे दिन तक, जब हम सभी ने देखा कि किस तरह से युवाओं ने बीच सड़क पर उतरकर जमकर उत्पात मचाया, सरकार की संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। जबकि पुलिस द्वारा लगातार युवाओं को समझाने का भी प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी जब बिहार से तस्वीरें सामने आई तो उसने कहीं ना कहीं झकझोर करके लोगों को रख दिया कि क्या ये वही युवा है जो देश का भविष्य है, क्या ये वही युवा है जो देश को आगे आने वाले सालों में चलाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देवरिया से हमारे संवाददाता रवि रावत और अजय प्रताप रायबरेली से जुड़ चुके हैं। रवि रावत, अगर देखा जाए तो कल जुम्मे की नमाज के दिन कहीं ना कहीं ये फ्राइडे भी ब्लैक फ्राइडे साबित होता हुआ नजर आया, जहां युवाओं ने सड़क पर उतरकर जमकर अग्निपथ योजना के खिलाफ उत्पात मचाया। तो आज एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो इस वक्त देवरिया का माहौल कैसा है? और आपको बता दें कि कल जैसे हिंसा चल रहा था कि योनी मांगो के लिए, युवाओं ने कल देवरिया रेलवे स्टेशन सुभाष चौक बस स्टैंड हिस्सों में अपना उपद्रव किया था और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और कई वाहनों की भी तोड़ फोड़ की थी। और आपको बता दें कि रेलवे 4 घंटा बाधित कर लगभग 4 घंटा बाधित किए थे, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल अजय प्रताप, अगर देखा जाए तो इस वक्त आप मौजूद है रायबरेली में, तो इस वक्त वहां की मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है? जुम्मे की नमाज को लेकर के उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन दस थी, उसको लेकर के युवाओं में जो आक्रोश था अग्निपथ योजना को लेकर की ये देखा उन्होंने पुलिस को, उसके बाद फायदा उठाया। और लालगंज की बात की जाए तो यहाँ पर ही ये धरना प्रदर्शन हुआ था, जो लोग पहुंचे थे वहाँ पर तिरंगा लेकर के और अग्निपथ योजना वापस लोगा जो पोस्टर था उसको लेकर के, और धरना वहाँ पर जो नारे भी लगाए गए। उसके बाद अगर पुलिस प्रशासन वहाँ पहुंची, उसके खिलाफ जाकर उनको वापस किया गया दो जगहों पर, लालगंज में दो जगहों पर प्रदर्शन किया गया। उसके बाद रेलवे स्टेशन उनका शायद टारगेट था, उसके बाद वहाँ पर पुलिस मौजूद थी, इसलिए समझा बुझाकर उनको वापस किया गया। आज की बात की जाए तो आज जो है पुलिस लगातार हर चप्पे चप्पे पर तैनात है और इस तरीके से कोई अभी तक ऐसी वो नहीं मिली। रवि रावत, अगर देखा जाए तो कल आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, वहां से आपने ताजा तस्वीरें हमको दिखाई कि किस तरह से युवाओं द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा था। तो युवाओं ने इस दौरान ये भी खबर निकल के सामने आई कि कुछ जो सरकारी संपत्ति है उनको भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, तो अब पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी उन युवाओं के खिलाफ? जी आपको बता दें कि कल देवरिया यही मुख्य मार्ग बस स्टैंड के पास की घटना है, जहां हजारों की संख्या में युवाओं ने भाजपा की गाड़ियों को भी निशाना बनाया था। और देवरिया एसपी संकल्प शर्मा लगातार ग्राउंड रिपोर्ट पर लगभग 4 से 5 घंटे तक युवाओं को लेकिन युवा मानने का नाम नहीं ले रहे थे। और आपको बता दें कि कई वाहन भी क्षतिग्रस्त किए गए थे, रेलवे बाधित किए गए थे, रोड जाम भी किया गया था। ऐसे में आम जनसामान्य को कल काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जी आज अगर देखा जाए तो जो रायबरेली में युवाओं ने कल प्रदर्शन किया, इस दौरान युवाओं ने क्या कुछ सरकार से मांग उठाई है? जी उन्होंने यही मांग उठाई है कि जो है हम लोग जो है 4-5 साल लगातार तैयारियां करते हैं, तैयारियां करने के बाद जो हम लोग का नंबर आता है, कुछ लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने बताया कि मैं एनसीसी से बिलोंग करता हूं, उसके बाद भी अगर हम लोग जाएंगे तो 4 साल की नौकरी में कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 साल के बाद सब कुछ हम लोगों को जो 4 साल की नौकरी इसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा जैसा था वैसे ही किया जाए, क्योंकि हम लोग बड़ी मेहनत करके वहां पर नौकरी करते हैं, नौकरी जॉब पाते हैं। और आपको बता दो कि जिस तरीके से कल पुलिस प्रशासन मुस्तैद था, उसको लेकर ज्ञापन भी दिया गया लोगों में, और किसी एक युवक से पुलिस से झड़प भी हुई जिसको हिरासत में लिया गया था,
था, उसके बाद अभी तक इस पर नजर बनाए हुए पुलिस पूरी तरह से, लगभग आपको बता दें 10 बजे से प्रदर्शन शुरू हुआ था जो 12:30 बजे खत्म हुआ था। बहस की जाए तो 2.5 घंटे का जो प्रदर्शन था, इसी तरीके से पुलिस शांत करा पाई। रवि, अगर देखा जाए तो देवरिया में भी कल जो छात्र है वो कहीं ना कहीं उग्र होते हुए नजर आ रहे थे, तो उस दौरान वहाँ के युवाओं ने क्या कुछ सरकार से मांग उठाई? इस क्रम में हम देवरिया की सबसे बड़ी अपडेट बता दें कि 150 प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और कल देवरिया जनपद में जैसा माहौल था, जैसा युवाओं का तांडो था, प्रशासन के भी पसीने छूट पड़े थे। और आपको बता दें कि इस हिंसक झड़प से प्रशासन से नोकझोंक भी हुई थी और आज 150 युवाओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बिल्कुल, आज अगर देखा जाए तो जब से सरकार द्वारा ये अग्निपथ योजना लागू की गई है और तभी से युवाओं जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार सरकार द्वारा इस योजना में संशोधन भी किए जा रहे हैं, तो क्या कुछ वजह निकल के सामने आ रही है जो सरकार द्वारा इस योजना को लागू किए हुए महज 3 से 4 दिन का ही समय हुआ है लेकिन इस अंतराल में भी 2 बार संशोधन किया जा चुका है, तो क्या कुछ वजह निकल के सामने आ रही है? ये आपको बता दूं कि ये जो अग्निपथ योजना सरकार द्वारा लागू की गई है, इसको लेकर गांव हो या शहर हो, इसको लेकर छोटे से बच्चे से लेकर के जो नवयुवक हैं जो भर्ती देख रहे हैं उनमें काफी ज्यादा विरोध देखने मिला, क्योंकि कुछ लोग की माने तो कह रहे हैं सही हुआ लेकिन बहुत लोग माने जो भारी संख्या में लोग इकट्ठा होता है उनका माने तो कहना जा रहा है कि बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि नवयुवा है वो कहीं ना कहीं इस पे जो है भारी पड़ रहे हैं, आगे चल के सरकार को इसको हो सकता है इसे खामियाजा भोग करना पड़े। क्योंकि आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर आलोक प्रियदर्शी यहाँ पे क्या बोलते हैं एसपी हैं जो लगातार सबको जागरूक कर रहे हैं कि जो भी करना है बता करें, उसके बाद जो नहीं तो फिर इस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लोगों के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये जो उपद्रव किया जाएगा स्वयं झेलेंगे, दूसरे के बहकावे में आने से वो नहीं झेलने आएंगे, क्योंकि इसीलिए बताया जा रहा है कि अगर इस तरीके से उपद्रव करेंगे आप लोग तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रवि, लेकिन जिस तरह से कल देवरिया की तस्वीरें हमने देखी कि किस तरह से जो युवा है वो जमकर सड़क पर उतरकर उत्पात मचा रहे थे, किस तरह से वो जो संपत्ति है उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये वो युवा नहीं हो सकते हैं जिन्हें सेना में भर्ती होना है। जी, आपको बता दें कि कल देवरिया जनपद में जैसे छात्राओं का तांडो था, इस तांडो से देवरिया जनपद के जनता भी आम जनमानस भी काफी परेशान दिखाई दिए, और जैसे रेलवे को बाधित किया गया था और प्रशासन की यहाँ पसीने छूटे पड़े दिखाई पड़े थे। और आपको बता दें कि कई वाहनों की तोड़फोड़ भी की गई थी और भाजपा के एक बोर्ड को भी निशाना बनाया गया था। बिल्कुल, आज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो इस योजना से असंतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन सरकार के तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि अगर ये योजना ठीक ढंग से लागू होती है तो युवाओं को इसका लाभ मिलेगा, तो आखिर ये बात युवा समझ नहीं पा रहे हैं या जो सरकार है वो युवाओं तक ये बात ठीक ढंग से पहुंचा नहीं पा रही है? जी, आपको बता दूं कि ऐसा ही कुछ है, क्योंकि या तो फिर युवा नहीं समझ पा रहे हैं तो सरकार नहीं समझ पा रही है, क्योंकि युवा हैं वो रोड पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि जो कल युवा प्रदर्शन कर रहे थे वो सब नाकाबपोश में थे, एक भी युवक का चेहरा खुला नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर था कि अगर वीडियो बनेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, इसको देखा जाए तो सभी लोग नाकाबपोश में थे और जब झड़प हुई तो एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, अपने उसमें लिया है, और उसके बाद बात की जाए कि जो है ना मानने की, तो कहीं ना कहीं इससे अगर देखा जाए तो असर जो है लोगों पर नहीं पड़ रहा है, सरकार की नीयतों पर जो युवक है उनके नवयुवक पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो इससे जो 4 साल का बनाया गया है ये कहीं ना कहीं युवा भारी पड़ रहा है। रवि रावत, अगर देखा जाए तो कल जब हमने देवरिया की तस्वीरें देखी तो इसमें साफ तौर पर देखा गया कि किस तरह से कितने हजारों की संख्या में वहां पर युवा मौजूद थे और वो लगातार जो पुलिस है उनको समझाने का प्रयास करती हुई नजर आ रही थी, तो क्या वहां के युवा इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये योजना क्या है या तो फिर वो ये चाह रहे हैं कि इस योजना को ही समाप्त कर दिया जाए? जी, आपको बता दें कि टीओडी की मांग जो है उसको वापस कराने के लिए युवाएं इकट्ठा हुए थे और हजारों की संख्या में युवाएं इकट्ठा हुए थे और चेतावनी भी दी है कि अगर हमारी मांग को वापस नहीं किया जाता है, सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो मैं आगे भी आंदोलन से बाध्य रहेंगे। और आपको बता दें कि इस प्रदर्शनकारियों से देवरिया में काफी रोष देखने को था, युवाओं में रोष देखने को मिला था और प्रशासन से सीसी नोक छूट भी हुई थी और कई वाहनों को भी तोड़ा गया था। धन्यवाद रायबरेली से अजय प्रताप हमारे साथ जुड़ने के लिए और देवरिया से संवाददाता हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से जो बीते दिनों कल अग्निपथ योजना के नाम पर युवाओं ने जमकर उत्पात मचाया था, जमकर आतंक मचाया था, उसके खिलाफ अब आज एक नया दिन है, यानी कि आज शनिवार का दिन है जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, लेकिन इस
पूरे मामले पर एक बड़ी वजह ये निकल के सामने आ रही है कि आखिर इस सबके पीछे का जिम्मेदार कौन है। सरकार जिम्मेदार है या जो ये योजना युवाओं को समझा नहीं पा रही, या फिर वो युवा जिम्मेदार है जो इस योजना को समझ नहीं पा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों पर अब खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से ये कार्यक्रम महज लागू हुए, अभी एक हफ्ते का समय भी नहीं बीता है, देखा जाए तो महज 3 से 4 दिन का समय इस योजना को लागू हुए बीता है, लेकिन जब से ही ये योजना लागू हुई है उसके अगले दिन से ही लगातार युवाओं में इस योजना के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, भारी रोष देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि किस तरह से जो जून का महीना है वो उत्तर प्रदेश के लिए काफी भारी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ 3 जून को कानपुर से हिंसा की शुरुआत हुई थी, वहीं लगातार आज के दिन तक प्रदेश के तमाम कई जनपद ऐसे हैं जहां से हिंसा की खबरें सामने आ रही है। कहीं पर नुपुर शर्मा जो भाजपा के निष्कासित प्रवक्ता है उनके बयान को लेकर जहां बीते 2 जुम्मे से हिंसा की खबरें सामने आई, तो वहीं अब सरकार द्वारा ये जो नई योजना लाई गई है अग्निपथ योजना, इसको लेकर भी हिंसा की खबरें सामने आई, जिससे साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं जून का महीना बेहद ही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार बवाल होता हुआ नजर आ रहा है, तस्वीरें भी हमने देखी। साथ ही आपको बताते चले कि जब सरकार द्वारा ये योजना लागू की जा रही थी तो उसमें एक साफ तौर पर कहा गया था कि 4 साल के बाद जो भी युवा है, यानी कि 21 साल में उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। करीब 75% युवाओं को इस सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। यही वजह है कि युवाओं के खिलाफ इस योजना को लेकर आक्रोश व्याप्त है कि 4 साल में जब वो इतनी मेहनत करेंगे, जब वो कड़ी मशक्कत के साथ सेना में भर्ती होंगे, जब वो सेना में अपनी सेवाएं देंगे, तो फिर उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, और बाहर निकाले जाने के बाद उनको अपने भविष्य की चिंता सता रही है। यही वजह है कि लगातार जो युवा है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आया तो सरकार ने इस योजना में संशोधन करते हुए इसे बढ़ाकर 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया, जिसके बाद अब युवा 6 साल तक सेना में अपनी सेवा प्रदान कर सकेंगे। यानी साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि जैसे जैसे युवाओं का प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, वैसे ही सरकार भी इस नीति में लगातार संशोधन कर रही है। वहीं गृह मंत्रालय द्वारा भी अब एक ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है कि 10% का आरक्षण भी इस योजना के तहत दिया जाएगा। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जब सरकार द्वारा यह स्कीम लॉन्च की गई तो इस पर पूरी तरह से विचार विमर्श नहीं किया गया। यही वजह है कि इस योजना को लागू हुए महज 3 से 4 दिन का ही वक्त बीता है और सरकार को 2 बार इस योजना में संशोधन करना पड़ा, जिससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवाओं में तो नाराजगी है ही, लेकिन सरकार द्वारा इस योजना को बिना विचार विमर्श किए इस स्कीम को लॉन्च कर दिया गया, जिसके बाद से युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं जैसे ही ये योजना लॉन्च हुई और जब युवाओं का विरोध प्रदर्शन चालू हुआ तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी पार्टियों ने भी जो सरकार है उस पर वार पलटवार का खेल शुरू कर दिया, क्योंकि लगातार प्रियंका गांधी अखिलेश द्वारा इस योजना को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि अगर ये योजना वाकई में लागू हो जाती है तो ये हमारे एक रक्षा तंत्र से खिलवाड़ होगा, जिसको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट भी किया था कि कहीं ना कहीं ये योजना युवाओं पर थोपी जा रही है और ये योजना ढंग से लागू नहीं की गई। यही वजह है कि इसमें लगातार सरकार को संशोधन करना पड़ रहा है। तो एक बड़ा मुद्दा इसमें निकल के सामने आ रहा है कि अभी इस योजना को लागू हुए बेहद ही चंद समय का वक्त बीता है, लेकिन सरकार को इस योजना में आखिर संशोधन करने की नौबत क्यों पड़ी। वहीं अगर बीते दिनों जुम्मे के दिन की बात करी जाए तो जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन द्वारा जुम्मे की नमाज को लेकर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट था, धारा 144 लागू की गई थी, लेकिन अग्निपथ योजना का जब विरोध हुआ तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए भी ये दोनों ही चीजें एक साथ संभालने में मुश्किल साबित होती हुई नजर आई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मथुरा से धनीराम खंडेलवाल और बनारस से आफताब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनीराम खंडेलवाल, अगर देखा जाए तो इस योजना के खिलाफ बीते जुम्मे की नमाज को लेकर एक भयंकर प्रदर्शन हमको देखने को मिला था, तो इस वक्त वहां की स्थिति कैसी बताई जा रही है और पुलिस प्रशासन कितना सतर्क नजर आ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि कल जिस तरीके से मथुरा में उपद्रवियों ने उद्धार किया और युवाओं में इस अग्निपथ योजना को लेकर के जो आक्रोश दिखाई दिया, वो कहीं ना कहीं युवाओं
के दिलों को ठेस पहुंचाया। उन्होंने जो सरकार केंद्र सरकार के द्वारा जो नीति लागू की गई है उनके युवाओं में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि चार साल में हम पूरी सेना के अफसर भी बन गए और उनके अधिकारी भी बन गए और चार साल में ही हमको रिटायर कर देंगे, यानी कि हमको जवानी में ही मिलिट्रियन बना दिया और उसके बाद में हमको जवानी में ही रिटायर कर दिया, तो उसके बाद में हमारी जो बची जिंदगी है उसमें हम क्या करेंगे। सरकार ये लॉलीपॉप दे रही है जो युवाओं को ना उजाड़ हो रही है। इसके विरोध में मथुरा में कल आपने देखा होगा कि कितनी हिंसा घटनाएं हुई, रोड जाम हुआ, यात्रियों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कल जुम्मे की नमाज थी, नमाज के चक्कर में पुलिस फोर्स भी वहां पर युवाओं ने रोड को जाम किया, यात्रियों को परेशान हुए, कई सारी बसों में आग लगाई, उसको देखते हुए आज सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। साथ ही साथ हर चौराहे पर और पूरे जनपद की सीमा तक पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। वही एसपीसीबी ने अभी अभी बात हुई उनसे हमारी, उन्होंने बताया है कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा, जिसमें कल 35 छात्रों को उन्होंने हिरासत में लिया था और उनसे अब पूछताछ की जा रही है कि क्या वो छात्री है या छात्र के रूप में कोई दूसरे लोग हैं, कि जिस तरीका से उन्होंने ये मथुरा में इतना बड़ा उपद्रव किया ये एक चिंता की विषय है। जी, अगर देखा जाए वाराणसी का इस वक्त माहौल कैसा बताया जा रहा है आफ्ताब? शहर की बात अगर हम बात करें तो शहर में भी शांति व्यवस्था पूर्ण रूप है और दिल्ली आगरा हाईवे नेशनल पर जहाँ जहाँ पुलिस लगा हुआ है वहाँ रोड भी बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है, स्थिति बिल्कुल सामान्य है। पुलिस हर स्थिति में किसी भी दंगे और दंगाइयों से निपटने के लिए बिल्कुल पूर्णतः तैयार है। जी आफ्ताब, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आफ्ताब, अगर देखा जाए तो कल ये साफ तौर पर आपने अभी बताया कि किस तरह से पुलिस को कहीं ना कहीं ये अंदेशा था कि आज युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया जा सकता है, युवा जो है वो उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बावजूद भी बस स्टैंड पर बसें खड़ी थी, तो इसमें किसकी लापरवाही निकल के सामने आ रही है? आपको बता दें कि कल जो है डीएम साहब ने चेतावनी दिया था आरएम साहब को, बस स्टैंड चार्ज जो है आरएम साहब को चेतावनी दिया गया था कि देखिए आप सतर्क रहिएगा क्योंकि यहां पर इस तरीके का अफवाह चल रही है खबरें, तो उसको लेकर के काफी इनको निराशाजनक हुआ है क्योंकि इन्होंने जरा भी उसके प्रति लापरवाही बरती है, क्योंकि अगर वहां गाड़ियां न खड़ी होती तो वहां पर इस तरीके का माहौल नहीं होता। उन्होंने गाड़ी, हालांकि इसमें डीएम साहब ने उनको 24 घंटे के अंदर दिया है, उनसे मांगा है कि आप इसका जवाब दीजिए, 24 घंटे के अंदर इनको जवाब देना है, तो इसको लेकर के अब देखिए। धनीराम, जिस तरह से कल मथुरा की तस्वीरें निकल के सामने आई, हमने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से जो युवा है उन्होंने जमकर उत्पात मचाया, जमकर प्रदर्शन किया, तो अब उनके खिलाफ पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, आखिर उनकी पहचान कैसे की जाएगी कि वो दंगाई कौन थे? जी जी जी, मैं बता दूं कि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही अभी हमारे एसपी किसी साहब से हमारी बात हुई थी कि कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या वो छात्र थे या और कोई थे, उन्होंने अभी अभी बताया है कि 35 दंगाइयों को हमने हिरासत में लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और जो दोषी होगा उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि सरकारी संपत्ति से लेकर के उन्होंने प्राइवेट संपत्ति तक नुकसान पहुंचाया है, तो इनका कहीं ना कहीं जो दंगाई है उन पर जरूर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अब ये सरकार का जांच का विषय है, प्रशासन का जांच का विषय है कि वो छात्र थे या दंगाई थे। जी आफ्ताब, अगर देखा जाए तो जब से सरकार द्वारा ये अग्निपथ योजना लागू की गई है इसमें तकरीबन दो बार तक का संशोधन किया जा चुका है, जिसमें बीते दिनों ये संशोधन किया गया था कि अब इस योजना को दो साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, साथ ही साथ अब इसमें ये भी गृह मंत्रालय द्वारा ट्वीट किया गया है कि इसको 10% इस योजना में आरक्षण दे दिया गया है, तो उसके बावजूद भी युवाओं का जो रोष है वो देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ वजह निकल के सामने आ रही है जो युवा अब भी प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं? जी जी जी, मैं आपको बता दूं, मेरे युवाओं से भी इस बात को लेकर के कई युवाओं से बात हुई जो मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि मात्र चार साल में ही है, मात्र चार साल में ही हम अफसर हो जाएंगे और चार साल में ही हम रिटायर हो जाएंगे। और फिर एक इसमें युवाओं की एक और प्रतिक्रिया निकल के आई नई कि जो हमारी देश की सुरक्षा है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी जरूर आएगी, क्यों कि चार साल में हम ट्रेनिंग भी करेंगे, चार साल में हम अधिकारी भी बनेंगे और चार साल के अंदर ही अंदर हम रिटायर हो जाएंगे,
तो कहीं ना कहीं सेना की जो कमजोरी होगी वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो पहले जो भर्ती हुआ करते थे वो कई उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता था। अगर मान लो 4 साल के अंदर अंदर अगर ये नए युवा हैं जो इनको कुछ ही समझ में आएगा और उससे पहले जब तक वो समझ पाएंगे उससे पहले ही वो रिटायर हो जाएंगे, तो सेना की कमजोरी भी कहीं इसमें आ रही है। और युवा इस बात से भी नाराज है कि जो अवधि जो घटाई बढ़ाई गई है ये पहले की तरह ही हो, जिस तरीका से संशोधन किया गया है, मानव संशोधन किया गया, परंतु युवाओं में इस बात को लेकर के काफी रोष है कि जो सरकार की नीति है वो सही नहीं है। जी धन्यवाद धनीराम खंडेलवाल मथुरा से हमारे साथ जुड़ने के लिए और वाराणसी से आफताब हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से बीते दिनों जो प्रदर्शन की खबरें सामने आई थी उसको लेकर अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और आज जो प्रदेश के कई जनपद है जहां से बीते दिनों हिंसा की खबरें आई वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद और साफ तौर पर ये कहा जाए कि पूरी तरह से जिन जनपदों से हिंसा की खबरें सामने आई थी उन्हें पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम की घोषणा आज 18 जून 2022 को की जाएगी। दोपहर 2 बजे हाई स्कूल का रिजल्ट घोषित होगा जबकि शाम 4 बजे इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित होगा। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान 47,75,749 परीक्षार्थियों का रिजल्ट घोषित होगा। तो आज देखा जा सकता है कि किस तरह से जो यूपी बोर्ड के परीक्षार्थी हैं उनमें कहीं ना कहीं डर भी देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ वो उत्साहित भी है क्योंकि आज उनका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। साथ ही आपको बताते चले कि शाम 4 बजे इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित होगा जबकि दोपहर 2 बजे हाई स्कूल का रिजल्ट घोषित होगा, जिसको लेकर छात्र कहीं ना कहीं उत्साहित है लेकिन उनमें कहीं ना कहीं एक तरफ डर भी बना हुआ है कि आखिर आज उनका परीक्षा परिणाम क्या होगा। प्रयागराज के अटाला क्षेत्र में नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर एक्टिव है जिसके बाद शांति व्यवस्था और जनपद में सौहार्द बिगाड़ने के लिए युवकों ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किया जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घूरपुर पुलिस द्वारा दर्जनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही गिरफ्तार युवकों को CRPF के तहत चालान भी किया गया जबकि ये कार्रवाई घूरपुर थाना प्रभारी अंडर ट्रेनिंग IPS चिराग जैन ने की। कुशल पूरी नमाज रही, हम लोगों ने फोर्स डिप्लॉय की थी, हर मस्जिद पे एक एक पुलिसकर्मी लगाया गया था, उसके अलावा कुछ पिकेट्स पे हमने एडिशनल फोर्स खड़ी करी थी और उसके अलावा मौलाना और मौलवियों से हम लोग कंटिन्यूसली संपर्क में थे जिससे कि सकुशल नमाज अदा हो पाई। 2-3 दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि कुछ फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट भड़काऊ पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं, तो अटाला की घटना को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने कि बीते दिनों जो जुमे की नमाज हुई थी उसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है ताकि किसी भी तरह से कहीं भी शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए और ऐसा करने वाले युवकों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले कुछ युवकों को घूरपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें चले कि बीते हफ्ते जो जुमे की नमाज हुई थी उसमें प्रयागराज से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिसने कहीं ना कहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था जहां दंगाइयों ने उपद्रवियों ने बीच सड़क पर जमकर उत्पात मचाया था, पुलिस को घायल करने की कोशिश की थी, पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया था, यही नहीं जिलाधिकारी कि गाड़ियों पर भी पथराव किया गया था। वही अब इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है और लगातार जब से ये हिंसा हुई है तब से पुलिस द्वारा लगातार एक्शन लिया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता पवन पटेल जुड़ चुके हैं। पवन पटेल, अगर देखा जाए तो इस हिंसा को बीते हुए अब 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है तो आज की क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल मुस्कान, जिस तरीके से बीते हफ्ते की बात की जाए, जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से हिंसा हुई थी, सड़कों पर पथराव हुआ था, ऐसे में पुलिस प्रशासन लगातार उस पूरे क्षेत्र को कवर किए हुए है। पुलिस की टीम वहां पर गश्त कर रही है, पुलिस के वहां सिपाही लगाए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है, RAF के जवान लगाए गए हैं। लेकिन जो ताजा मामला है अभी वो जनपद प्रयागराज के यमुना पार क्षेत्र से सामने आया है जहाँ पर घूरपुर थाना क्षेत्र है, वहां के गाँव से कुछ युवकों द्वारा सोशल मीडिया पर
आपत्तिजनक पोस्ट डाले गए थे जिनमें भड़काऊ पोस्ट कहे जा सकते हैं। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लगभग दर्जनों से ज्यादा युवकों को गिरफ्तार किया, उनके ऊपर सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की गई है और उनको सख्त हिदायत दी गई है कि भविष्य में इस तरह की कोई चीजें पोस्ट ना करें। और इस पर जो है पुलिस टीम ने लगातार यमुना पार क्षेत्र की बात की जाए या शहरी क्षेत्र की या ग्रामीण क्षेत्र की, तो पुलिस टीम ने पूरी तरीके से जो कल की जो जुमे की नमाज अदा हुई है उसको पूरी तरीके से पुलिस ने सकुशल संपन्न करवाया है। अगर बात अटाला क्षेत्र की जाए तो अभी भी जिले काला अधिकारी अटाला क्षेत्र में भ्रमण करते हुए देखे जा सकते हैं। जी मुस्कान, पवन, अगर देखा जाए तो कानपुर की तर्ज पर प्रयागराज के चौक चौराहों पर भी जो दंगाई है उनकी पोस्टर और फोटोज लगाई गई थी, तो अभी तक कितने दंगाइयों को उन पोस्टर्स में से गिरफ्तार किया जा चुका है? जी बिल्कुल मुस्कान, जिस तरीके से यहाँ प्रयागराज के करीब 50 स्थानों पर दंगाइयों के पोस्टर चिपकाए गए थे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज ने बताया है कि जो पोस्टर जारी किए गए थे उन पोस्टर में से लगभग 14 जो है उपद्रवी उनके गिरफ्तारी की गई है। और अगर पूरे मामले की बात की जाए तो अभी तक 97 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं और 5000 अज्ञात लोगों पर मुकदमा पंजीकृत है और पुलिस टीम लगातार इस पे कार्य कर रही है। आने वाले दिनों में उसमें और भी उपद्रवी गिरफ्तार किए जाएंगे। जी मुस्कान, अगर देखा जाए तो प्रयागराज में जो मुख्य आरोपी है उसकी तो गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की जा चुकी है और लगातार उससे कहीं ना कहीं पूछताछ भी की जा रही है, तो अभी तक उसने पूछताछ में क्या कुछ बड़े खुलासे किए हैं? चूंकि देखिए मामला इतना गंभीर था और कल जुमे की नमाज थी, इसको लेकर प्रशासन लगातार सतर्क था। कल की जो जुमे की नमाज थी प्रशासन पर एक बड़ी चुनौती थी कि इस वाले जुमे की नमाज में किसी तरह का कोई उपद्रव दंगा या कोई बात ना हो। इसको लेकर अभी इस पूरे मामले पर जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है जावेद मोहम्मद जावेद उर्फ मोहम्मद पंप, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस काला अधिकारी अभी इस पर कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं। हालांकि अभी तक पुलिस ने किस तरीके से पूछताछ की है ये अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, जैसे ये बातें सामने आएंगी निश्चित रूप से पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। जी मुस्कान, लेकिन अगर देखा जाए पवन, तो जिस तरह से बीते दिनों जो अग्निपथ योजना के खिलाफ भी प्रदेश के कई जनपदों से खबरें सामने आई, वहीं एक तरफ जुमे की नमाज भी थी, तो क्या इस हिंसा का असर कहीं प्रयागराज में भी दिखाई दिया? हाँ, छिटपुट घटनाओं की बात की जाए तो अग्निपथ मामले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे था। जितने भी चौराहे हैं चाहे वो स्टेशन हो या जहां भी छात्रों की संख्या ज्यादा है, जैसे प्रयागराज चूंकि यूनिवर्सिटी है और प्रयागराज जो है कहा जाता है कि शिक्षा का पूरा गढ़ कहा जाता है, तो यहां छात्रों की संख्या है वो काफी अधिक मात्रा में है, तो पुलिस प्रशासन पूरे मामले को लेकर पूरी तरीके से गंभीर था। जिले के आला अधिकारी, जिले के जिलाधिकारी वो लगातार छात्रों से संपर्क बनाए हुए थे, उनसे वार्ता करते हुए नजर आए हैं, तो इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो नहीं आई है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से प्रयाग स्टेशन या अन्य जो चौराहे हैं जहां पर छात्रों की संख्या ज्यादा है वहां पर पुलिस टीम लगातार गश्त करती रही। पुलिस काला अधिकारियों को वहां पर ड्यूटी लगाई है, सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और एसपी रैंक के अधिकारी वहां पर नियुक्त किए गए थे, तो ऐसी तस्वीरें यहां पर नहीं आई। हालांकि एक दो जगह पर छात्रों द्वारा ज्ञापन देने की बातें जरूर सामने आई है, लेकिन जिला अधिकारी प्रयागराज के मुताबिक स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। जी मुस्कान, यानी कि पवन, अगर देखा जाए तो आज की स्थिति पूरी तरह से पुलिस के नियंत्रण में है। जी पवन, स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। जी, धन्यवाद पवन पटेल इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना क्षेत्र के सिंधनी गांव में पुलिस की कार्यशैली से नाराज पीड़ित परिजनों ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल इस पूरे मामले पर पीड़ितों ने कहा कि जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है और वो जब पीड़ित पक्ष कब्जे का विरोध करता है तो उनके साथ मारपीट की जाती है। जबकि इस मामले पर पीड़ित ने बताया कि उसने इस पूरे मामले की शिकायत सांगीपुर पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने थाने में पीड़ितों को ही बुलाकर उनके साथ जमकर मारपीट की गई, जबकि आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई। हमारा मामला यह है कि मेरा पट्टीदार मेरे फार्म हाउस पर जबरन कब्जा कर रहा है, छप्पर छाकर घर से वहां लाया है और अतिक्रमण कर रहा है और वहां हमको सबको मार पीट रहा है। जी, तहरीर दिया मैंने जाकर और वहां से एसओ साहब और वहां से दो पुलिस को भेजा। भेजने के बाद जो है मुझे थाना बुलाया गया। थाना बुलाने के बाद दोनों पक्ष को बुलाया गया थाना। वहाँ बुलाने के बाद जो है हमारे हलका दरोगा अश्विनी जी और कांस्टेबल विवेक यादव और गोविंद ने हमारे ऊपर प्रेशर बनाने लगे समझौता का,
तो समझौता का प्रेशर बनाने लगे और एक पक्षी वार्ता करने लगे कि पीड़ित का सुना ही नहीं जा रहा था कि इसका भी कोई मारा पीटा गया है, क्या किया गया है, आक्रमण किया गया है। बुलंदशहर के थाना कोतवाली क्षेत्र में अपने ससुरालियों से परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। इस दौरान पीड़िता ने बताया कि उसके पति ने कहा कि उसने उससे 3 तलाक दे दिया है और उसने दूसरी शादी कर ली है, जबकि पीड़िता ने कहा कि उसका 1 साल का बेटा है जिसको पालने के लिए उसे अब मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां पर एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक महिला ने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस से कहा कि उसके पति ने उससे कहा है कि उसने 3 तलाक देकर किसी दूसरी औरत से शादी कर ली है। वहीं अब उस महिला का 1 वर्षीय एक बच्चा भी है जिसे पालने के लिए अब उसे कड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं एसएसपी कार्यालय इसलिए आई थी क्योंकि मैंने कई बार मैंने एप्लीकेशन दी है लेकिन मेरी एप्लीकेशन का कुछ नहीं हो पाया, कोई समझौता नहीं। मैं अपनी ससुराल गई थी और मेरी ससुराल वालों ने मुझे मारा पीटा। मैं कई बार वहाँ जा चुकी हूँ, मेरी ससुराल वाले मुझे मारते हैं पीटते हैं लेकिन मुझे घर के अंदर घुसने नहीं देते। अब ऐसे मेरा एक छोटा बच्चा है, मैं कब तक अपने मायके में रहूँ? मैं अपने घर वालों के साथ आई हूँ तो वो झूठे झूठे केस लगा देते हैं मेरे भाइयों पर, मेरे पापा पर, सब पे झूठे झूठे केस लगा देते हैं। यहाँ तक उन्होंने मेरी बहन तक को नहीं छोड़ा। अब मैं वहाँ जाती हूँ और आज भी मैं वहाँ गई थी तो वहाँ वो लोग मेरी बहन को परेशान कर रहे हैं, बड़ी वाली को, मेरी बड़ी बहन भी वहाँ पे। इसलिए मैं थोड़ी कच्ची पड़ रही थी कि उनको कब से कि वो मेरी बहन को परेशान ना करें, लेकिन जब जब मैं वहाँ जाती हूँ वो कहते हैं या तो अपनी बहन से फैसला करा लो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।